ग्वालियर में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद भी तलघर के निर्माण को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। शहर में ऐसे कई मामले आज भी हैं जिनमें तल घरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है और अवैध रूप से बिना मंजूरी के बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी जानकारी समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित रूप से दी गई। बावजूद इसके इन अवैध निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और कार्रवाई के रूप में सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। सर, ये कुछ मामले आपको अवैध निर्माण से संबंधित दिए गए हैं जी? अभी हाँ सर, ये करीब करीब 5-6 मामले हैं ऐसे, और एक मामला अभी लेटेस्ट में कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और भी आया रॉक्सी टॉकीज का। सर, ऐसे बहुत सारे मामले शहर में देखे जा रहे हैं अवैध निर्माण, तलघर निर्माण को लेकर के, तो सर इन पे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से, और कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इतना लेट क्यों हो रहा है कार्रवाई में? दोनों चीजें हैं इसमें, पूरी लिस्ट माननीय उच्च न्यायालय को हमारे द्वारा प्रस्तुत है, मेरे द्वारा मतलब हमारे से भी पहले से। ठीक ठीक। और तलघरों का जहां तक प्रश्न है तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का हमारी इच्छा रहती है कि अक्षरशः पालन हो, तो उसमें संख्या शहर में अधिक है तो जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है लगभग हर सप्ताह हम कार्रवाई करते हैं और अपना पालन प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं। सर एक्चुअली आपने भी बताया है, ये भी संभवतः उसी लिस्ट में होगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर अभी निर्माणाधीन तलघर है वो, उसकी शिकायत स्टार्टिंग में ही की जा चुकी थी आज से 2 महीने पहले संबंधित क्षेत्र अधिकारी को, वार्ड 32 जोन 6 में, तो उन्होंने पत्रकार उन्होंने पत्रकारों से बड़ी अभद्रता से बात करते हुए ये कहा कि आपको जो समझना है आप समझ लो। पवन शर्मा जी उनकी भी मतलब विजुअल है मेरे पास में इस चीज के भी, तो सर इस चीज पे मतलब, और आज तक 3 आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी, तो उस पे कार्रवाई मैं कराता हूं, करेंगे बिल्कुल सर। और सर उसके अलावा एक चीज और थी, ये आउटसोर्स के जो कर्मचारी आपके यहाँ लगभग 3,000 कर्मचारी जो की है, 5 महीने से उनकी सैलरी नहीं आई है सर, सभी कर्मचारियों की शिकायत है। निराकरण किया जा चुका है, जितनी जिनकी वो आईटी वेरिफिकेशन होके जनवरी तक की सबकी दे दी गई थी, उसके बाद वेरिफिकेशन मांगे गए, जैसे ही आएंगे हम तुरंत करेंगे। कंपनी वेरीफाई करके देती है, ना कि हमें देना। तो ये कंपनी क्या नाम से कंपनी है? क्या नाम, राज सिक्योरिटी सर सुनते हैं इस कंपनी का नाम कुछ होगा, इसका होगा। ओके। नगर निगम में कुछ ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जिनको, जो कि तथ्य है कि अवैध निर्माण हो रहे हैं, तल घरों पे हाईकोर्ट के इतने सख्त निर्देश होने के बावजूद भी तलघरों के निर्माण हो रहे हैं बिना किसी परमिशन के, और नगर निगम वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखो, मेरा ये कहना है, मैं आपसे फिर कह चुका हूँ कि ऐसे कोई तथ्य हैं मुझे उपलब्ध कराइए, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। और मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मतलब, नगर निगम का मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा है, उसको हमें ठीक करना है। ये दाय 40 साल से और 15 साल की जो काई है उसको हम ठीक करके ही दम लेंगे, ये विश्वास मैं आपको दे रहा हूँ। सर आगामी जो चुनाव है, जिनमें सर जो ग्वालियर के एनसीसी चुनाव है सर, उनमें क्या लगता है, उसमें क्या होने वाला है? सर, 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 स